हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल लिटरी माइंड में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ के बारे में। ठीक है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ मतलब मेरी वो स्टोरी जिसमें जो है मैंने ट्रुथ के साथ, सच्चाई के साथ जो है कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है। ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में डिफरेंस पहले बता दूं मैं आप लोगों को। ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा, मतलब जो चीज़ आप अपने लाइफ के बारे में खुद लिखते हो, खुद खुद इन द सेंस मतलब आपने ही लिखी है वो, दैट इज़ कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। अगर आपके लाइफ के बारे में कोई और लिखता है, कोई और बंदा लिखता है, दैट इज़ कॉल्ड बायोग्राफी। ठीक है, ये चीज़ आपको डिस्टिंक्शन पता लग गया क्या गैप है दोनों के बीच में, क्या डिफरेंस है। आप इस वीडियो में क्या क्या मैं बताऊंगा पहले वो चीज़ नोट कर लो, आप कॉपी पेन लेके बैठ जाओ ताकि इंपॉर्टेंट चीज़ जो है नोट कर पाओ। ये जो ऑटोबायोग्राफी है इसकी मैं समरी बताऊंगा पहले, इसके बाद जो है ये पीडीएफ देख रहे हो आप, ये पीडीएफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये पीडीएफ जो है मैं आप लोगों के बीच डिस्कस करूंगा। क्रेडिट्स देने के लिए मैं बता दूं, ये हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी ऑफ साउथ एशिया जामिया मिलिया इस्लामिया से जो है मैंने लिया है ये पीडीएफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं बता दूँ, स्टार्टिंग में मैं आपको समरी बता रहा हूँ। ठीक है, लगभग पांच पार्ट में जो है ये बुक ऑटोबायोग्राफी जो है पांच पार्ट में डिवाइडेड है। उसके अंदर फिर चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स में आपको कई कई चीज़ें पता लगेंगी मिस्टर गांधी के बारे में। गांधी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। गुजरात में जन्म हुआ था इनका, माता पुतलीबाई था इनका नाम, इनका माता का नाम, इनकी माता का नाम, इनके माता का नाम पुतलीबाई था और वाइफ कस्तूरबा गांधी। ठीक है, पोरबंदर में जन्म हुआ था इनका और देश के स्वतंत्रता यानी कि इंडिपेंडेंस में क्या रोल था ये तो आप बचपन से पढ़ रहे हो। ठीक है, तो इतना ज़्यादा कुछ बताने लायक है नहीं यहाँ पे, कैसे इन्होंने जो है हेल्प करी थी इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में। ठीक है, क्या रोल था इनका सबको पता है, फादर ऑफ द नेशन ऐसे नहीं कहलाए, ये सारी चीज़ें जानेंगे एक एक करके। पहले आ जाता हूँ मैं आपको समरी में, थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, समरी ऐसी है कि ये अपना बचपन से बताते हैं कि बचपन से कैसे जो है बहुत ही ज़्यादा फॉलोवर थे अपने मम्मी पापा के, बहुत ही ज़्यादा करीब थे, लगाव था इनका इनको। ठीक है, तो अब लगाव था, पापा मम्मी जो है ठीक है मतलब अच्छे घर से थे, अच्छे घराने से ही थे, ऐसा कुछ नहीं था कि गरीब थे ये। इनके जो फोर फादर्स थे ये भी ठीक ठाक थे, ठीक ठाक घर से थे, अमीर ही थे कह लो ये। ठीक है, अमीर इन द सेंस मतलब ठीक ठाक फैमिली से थे, बिलोंग करते थे महात्मा गांधी। तो इनके फैमिली के मतलब इनकी फैमिली में कुछ मेम्बर्स थे, भाई बहन थे ये सारे। ठीक है, तो इनको भेजा गया पढ़ने के लिए बाहर, इंग्लैंड भेजा गया। ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको जनरली एक ओवरऑल स्टोरी के रूप में, ताकि आपको एक पता लग जाए कि है क्या इसमें। फिर इंग्लैंड जाते हैं, वहाँ पे पढ़ाई वगैरह करने के लिए भेजे जाते हैं। तो इसी बीच में जो है, हाँ और एक चीज़, इनकी जो शादी हुई थी ना, चाइल्ड मैरिज हुई थी इनकी, मतलब शादी पहले ही फिक्स हो जाती थी। पहले आपको पता होगा कि शादी ऐसे होती है, शादियाँ ऐसे हुआ करती थी कि पहले ही बचपन में ही फिक्स हो जाती थी कि इसकी शादी इससे होगी आने, मतलब अब जब ये बड़े हो जाएंगे तब इसके लड़की जो है इसके घर में चली जाएगी, बट शादी पहले ही फिक्स हो जाती थी चाइल्ड मैरिज के केस में। ठीक है, तो इनकी भी जो है ऐसी शादी फिक्स हो गई थी कस्तूरबा के साथ। बाद में जो जब इनकी एजुकेशन जब ये पूरा करने के लिए गए, इंग्लैंड गए वहाँ पे, तो हुआ क्या कि जो यहाँ पे ब्राह्मण वगैरह लोग थे वो गांधी को मतलब ऐसे कहने लगे कि अगर तुम जा रहे हो ऐसे देश में तो मतलब तुम अब मीट वगैरह खाना स्टार्ट कर दोगे, धर्म को भूल जाओगे, तो हम जो है तुम्हें अपनी जो है कम्युनिटी बिरादरी से जो है बाहर निकाल देंगे। तो माता भी डरी, पुतलीबाई भी मतलब माता जो है इनकी डरी वो कि ऐसा हो जाएगा मेरे बेटे के साथ, धर्म से निकाल दिया जाएगा। तो वाइफ भी जो है कस्तूरबा गांधी भी जो है थोड़ी सी डर गई इस बात को लेके। तो बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, गांधी जी जो थे वो फर्म थे कि मतलब अपने डिटरमाइंड थे अपने उस पर कि मेरे को जाना है तो जाना है एजुकेशन के लिए। ठीक है, अब वेल टू डू फैमिली थी तो चले भी गई है, इनको कोई दिक्कत नहीं आई वहाँ पे। अब जाने से पहले इसकी माता ने ये कहा, प्राइमरी एजुकेशन हट चुकी है, मैं अब बड़ी उसकी एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, हायर एजुकेशन के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तब इंग्लैंड जा रहे थे, तो अब इसकी माता ने ये कहा, इनकी माता ने, कि तुम जा तो रहे हो बट मेरे को वचन दो कि ना तो तुम किसी लड़की को कभी आँख उठा के देखोगे, ना तुम कभी मीट मच्छी खाओगे, मतलब मीट इन द सेंस मीट वगैरह खाओगे कभी भी, और कभी अल्कोहल को हाथ नहीं लगाओगे। एक तीन चार वादे जो हैं इसकी मम्मी ने, इनकी मम्मी ने इनसे करवाई महात्मा गांधी से। ठीक है, जनरली मैं लेमैन डेफिनेशन लेमैन वर्ड्स में बता रहा हूँ आपको समरी, ताकि आपको याद हो जाए हंसते खेलते। ठीक है, तो अब ये चले गए इंग्लैंड, वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आई, सारे मीट खोर मतलब मीट खाने वाले, और ये वहाँ पे वेजिटेरियन। अब किसी होटल में अगर ये मतलब जहाँ पे ये ठहरे थे वहाँ पे अगर बुक भी करते थे
मान लो कोई अगर बुक भी कर रहे हैं वेजिटेरियन डाइट, तो वो महंगा पड़ रहा था इनको, प्रॉब्लम आ रही थी बहुत ज़्यादा रहने में, सारे वहाँ पे मीट खाने वाले, तो प्रॉब्लम आ रही थी कि स्पेशली वेजिटेरियन कैसे डाइट बनाए इनके लिए, तो कभी ये भूखे पेट ही रह जाते थे, कभी कुछ, ठीक है। तो जनरली मैं बता रहा हूँ कि हुआ ऐसा कि अब ये सिंस अपनी माता से जो है वचन लेके आए थे कि कभी भी जो है मैं ना किसी को देखूँगा, ना ही मैं शराब पे शराब वगैरह पे हाथ लगाऊँगा, ये सब, तो इनको काफ़ी दिक्कत आ रही थी वहाँ पर रहने के लिए। एक बीच में एक ऐसा ही इंसिडेंट है कि एक इनका फ्रेंड था बचपन में, तो जिनको अभी इसी पीडीएफ में आएगा वो, ठीक है, इसी पीडीएफ में है आगे वो। जनरली मैं बता देता हूँ थोड़ा सा ताकि आप बाद में, आपको लिंक करवा दूंगा मैं इसी पीडीएफ में, ठीक है। तो जब एक फ्रेंड होता है इनका जिनको ये सुधारने के लिए जो है कोशिश करते हैं, बट उल्टा इनके फ्रेंड ही इसको बिगाड़ देते हैं, इसको एक मीट खाने वाला बना देते हैं, ठीक है, मीट खोर बना देते हैं इसे भी। महात्मा गांधी वेजिटेरियन थे प्योर, बट एक बार इन्होंने जो है मीट ट्राई कर लिया था। बाद में इस चीज़ का इनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ था, इतना ज़्यादा दुख हुआ था कि ये इंसिडेंट वो इस ऑटोबायोग्राफी में मेंशन भी करते हैं, ठीक है, और अपने उस फ्रेंड से फ्रेंड को जो है हमेशा के लिए छोड़ देते हैं फिर। तो ये इंसिडेंट हुआ था और उन्होंने जो है शराब भी इवन ट्राई कर लिया था एक बार, इन्होंने एक बार इवन दो कि सुसाइड के लिए भी अटैम्प्ट किया था, सुसाइड इन द सेंस पॉइजन वगैरह खा के नहीं, भांग टाइप में कुछ होता है ना, तो वो खाने के बाद जो है इन्होंने सुसाइड करने की सोची। तो ये सारा कुछ है इसमें, स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर्स में मिलेगा आपको। फिर एक सीन आपको मिलेगा साउथ अफ्रीका वाला, मतलब पार्ट टू या पार्ट थ्री में आप देख लेना एक बार, समरी में बता रहा हूँ जनरली ऐसे ही। तो साउथ अफ्रीका वाला सीन जिसमें आपको सभी को, आप सभी को पता होगा कैसे इनके साथ जो है भेदभाव हुआ था, और इनको देखो ये पढ़ाई करने गए थे लंदन में बैरिस्टर मतलब लॉ की, ठीक है, ताकि अच्छा खासा कमाए इंडिया में आके। इनको घमंड इस चीज़ का था कि इंडिया में आएंगे और ये बोलेंगे कि इंग्लैंड से लौटा हुआ हूँ, मतलब इंग्लैंड रिटर्न हूँ, तो पैसा अच्छा खासा मिल जाएगा। फैमिली भी ये सोच रही थी कि लड़का आएगा कमाएगा, और इंग्लैंड से आया होगा तो बहुत ज़्यादा मिलेंगे इसको, जहाँ पे लोगों को 10 रुपये मिलेंगे इसको 20 रुपये मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि इंग्लैंड से आया, ये सारी उम्मीदें थी फैमिली को, ठीक है। बाकी इन द सेंस क्या हुआ, पार्ट टू में हमें, मतलब हमें पता लगता है कि वीडियो में, मतलब इसी ऑटोबायोग्राफी में आगे हमें पता लगेगा कि साउथ अफ्रीका जाते हैं एक बार, क्योंकि गांधी को बुलाया जाता है, गांधी को इसलिए बुलाया जाता है ताकि वहाँ पे जो है एक केस लड़ने के लिए बुलाया जाता है। वहाँ पे जो जितने भी इंडियंस वगैरह रहते हैं ना, और साउथ अफ्रीकन भी जो लोग थे, तो साउथ अफ्रीका में उस समय रूल था ब्रिटिशर्स का, इंडिया में भी रूल था, तो बहुत ही गंदी तरीके से जो है ट्रीट किया जाता था किनको, इंडियंस को भी वहाँ पे ट्रीट किया जाता था गंदी तरीके से, और ये अफ्रीकन्स को भी। तो ये कंडीशन थी वहाँ पे, तो जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता था, एज अ स्लेव ट्रीट किया जाता, तो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई गांधी से। और इनके जो जिन फ्रेंड्स ने इनको बुलाया था, इन्होंने सारा बंदोबस्त किया था, तो अगले दिन इनको केस के लिए लड़ने के लिए जाना था कहीं पे, ठीक है। तो ट्रेन में चढ़े थे, तो ट्रेन में फिर ब्रिटिशर्स आए, फर्स्ट क्लास की टिकट होने के बावजूद भी इनको जो है ट्रेन से धक्का मार के नीचे फेंक दिया गया। इवन तो गांधी जो है वो डरे हुए थे, सहमे हुए थे कि ये क्या हो गया मेरे साथ, मेरे पास तो फर्स्ट क्लास की टिकट थी बट फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ। तो ये सारा कुछ है इंसिडेंट वहाँ पे, आपने सुना भी होगा कि कैसे जो है ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था इनको साउथ अफ्रीका में। तो यही सीन था, उसके बाद दोबारा ट्रेन में चढ़ते हैं, फिर दोबारा फेंक दिया जाता है, मतलब दोबारा फेंक दिया जाता है इन द सेंस दोबारा इनको जो है लताड़ा जाता है कि तुम फर्स्ट क्लास में क्यों बैठे हो, जाओ जनरल, मतलब जनरल बोगी में जाओ, ठीक है, इसमें क्यों बैठे हो। तो ये सारा इंसिडेंट जो है इनकी लाइफ को जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। ये इस इंसिडेंट को बताते हैं कि ये ब्रिटिशर्स का रेसिस्ट एटीट्यूड था, ठीक है, रंगभेद करने वाला एटीट्यूड था, और ये बात इनको काफ़ी ज़्यादा खलती है, ठीक है, मनी मन हो गया। ये भी ख़त्म, ये वाला पार्ट जान लिया। इसी के बाद जो है लाइफ में इन्होंने कैसे जो है सेलिब्रेसी मेंटेन करी अपनी वाइफ का, ये बताते हैं कि शादी हो चुकी थी बट स्टिल वो उसके साथ रह नहीं रहे थे, चाइल्ड मैरिज की जब बात कर रहा हूँ मैं, तब रह नहीं रहे थे, ठीक है। कुछ दिनों बाद जो है उनके बीच में फिर इंटीमेसी बढ़ी, तो यही बताते हैं कि सेक्सुअल रिलेशनशिप बना इनका, तो कस्तूरबा गांधी के साथ, पुतली बाई तो मॉम है इनकी, सॉरी सॉरी फॉर द ऑफेंस, ओके। तो ये कहते हैं कि इनका जो है सेक्सुअल रिलेशनशिप बना इनका, और उसके बाद जो है इनके जो 4 सन थे, आप नाम भी पढ़ोगे, हीरा लाल वगैरह इनके नाम थे इनके बेटों के, ये गांधी जी के। कुछ दिनों बाद जो है गांधी जी फिर ये फील करते हैं कि यार ये सेक्सुअल कह लो जो चीज़ें होती हैं किसी भी रिलेशनशिप में, ये इंसान को एक ऐसा जानवर बना देती हैं, फिर ये हमेशा हमेशा के लिए जो है सेलिबेसी ट्राई कर लेते हैं।
सेलिबेसी क्या होता है? सेलिबेसी होता है एक टाइप से समझ लो ब्रह्मचर्य। तो ये ब्रह्मचर्य का जो है पूरा पालन कर लेते हैं, मतलब फिर अपनी वाइफ को कभी हाथ भी नहीं लगाते। ये काफ़ी अजीब लगता है कस्तूरबा को, बट स्टिल जो भी था वो भी एक्सेप्ट कर लेती हैं ये सारी चीज़ें। अब गांधी का जो है एक ही मेन एम था, उन्होंने साउथ अफ्रीका में बहुत सारे इन्होंने काम करे, वहाँ के लोगों के लिए जो है लड़ा, बहुत सारे काम किए वहाँ के लोगों के हकों के लिए, जो है बात करी इन्होंने। यही सारी प्रिंसिपल्स, यही सारी चीज़ें जो हैं वो इंडिया में भी यूज़ करना चाहते थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ताकि ब्रिटिशर्स को जो है झुका दिया जा सके। ठीक है, गांधी जी ने बकायदा ये किया भी, 1920 रोलेट एक्ट के खिलाफ वगैरह वगैरह जो भी था, फिर ये सारा किया इन्होंने। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ, अवज्ञा आंदोलन जिसे बोलते हो आप, उसके बाद दांडी मार्च वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं इन्होंने सच के बल पे, मतलब हमेशा जो है सच का साथ दिया था इन्होंने, तो ये सारा कुछ किया इन्होंने। फिर जो है धीरे धीरे ये जो है एक महात्मा बने, लोग इनके फॉलोअर्स बनते गए, जुड़ते गए लोग, आश्रम खोला इन्होंने, बहुत कुछ हुआ। कई बार ये बताते हैं अपनी ऑटोबायोग्राफी में कि कैसे जो है इनको जो है भगवान का फील हुआ कि हाँ रियली में भगवान एग्जिस्ट करते हैं। इन्होंने जो है एक आश्रम खोला था गरीब लोगों के लिए। अब वहाँ पे जो है पैसे देना, मतलब फंडिंग आना बंद हो गई थी वहाँ पे। ठीक है, तो फंडिंग नहीं आएगी तो लोगों को खिलाया कैसे जाएगा। तो एक बार ये बताते हैं कि एक बार जो है उन्हें कोई पैसा दे के गया था, और जिनको आज तक मतलब वो कभी फिर मिले ही नहीं उनसे, तो उनको एक बार लगा था कि देयर इज़ द गॉड, जब आप अच्छे काम करते हो, आपकी नीयत अच्छी होती है, तो भगवान भी आपका साथ देता। तो ये सारी चीज़ें आपको उभर के आएंगी, सामने देखोगे आप। ठीक है, और छोटी मोटी अगर बचपन की दो तीन चीज़ें बताऊँ मैं इनकी ऑटोबायोग्राफी में, इन्होंने ये भी बताया कि कैसे वो जो बचपन में बहुत ज़्यादा राजा हरिश्चंद्र की चीज़ों को पसंद करते थे, मतलब ट्रूथ लवर थे ये, वो सोचते थे कि सब लोग ऐसे क्यों नहीं बन सकते हरिश्चंद्र की तरह, जिन्होंने सच बोलने के चक्कर में अपना राजपाट जो है सारा गंवा दिया। सिमिलरली ये श्रवण कुमार की भी जो है देखा करते थे जो भी है टीवी वगैरह पे, टीवी वगैरह तो नहीं आती थी उस टाइम पे, कहानियाँ ही सुना करते थे ये, टीवी वगैरह कहाँ था उस टाइम पे। ठीक है, तो कहानियाँ सुना करते, तो श्रवण कुमार की कैसे जो है वो अपने गरीब माँ बाप को तीर्थ कराने के लिए, अंधे माँ बाप को जो है एक ट्रॉली टाइप में बिठा के ले गए। तो ये सारी चीज़ें जो है आप जानोगे स्टोरी में, ऑटोबायोग्राफी में इन्होंने मेंशन कराया कि एक माँ बाप के लिए बच्चा जो है, बच्चे को इतना कुछ करना चाहिए, ये सारी चीज़ें इनके मन में थी उस टाइम पे भी, कि अपने मम्मी पापा के लिए मैं इतना कुछ कर सकूँ। बट इनके पापा की विदाई हो जाती है और कुछ दिनों बाद जो है, मतलब बहुत सालों बाद वैसे तो, इनके माता की विदाई हो जाती है जब ये इंग्लैंड में होते हैं, और रिटर्न करते हैं तो पता लगता है कि इनकी माता की डेथ हो चुकी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इनकी जुड़ी लाइफ से, जिनको ये कभी इंजॉय ही नहीं कर पाए, अपने माँ माँ ना माँ का साथ, ना पापा का साथ इनना, तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी इनकी लाइफ में। ठीक है, लास्ट में इन्होंने सेलिबेसी वगैरह ज्वाइन कर ली, ब्रह्मचर्य ज्वाइन कर लिया, ये तो सबको पता ही है, मैंने बताया था आपको। फिर ये महात्मा बने इस टाइप से, देश को आज़ादी दिलवाई, देश के आज़ादी दिलवाने में बहुत ही बड़ा हाथ था इनका। खिलाफत मूवमेंट में मुस्लिम्स का साथ दिया, मुस्लिम को एकीकृत किया इंडिया में, और फिर जो है स्वतंत्रता की जो है गूंज उठी, और भारत छोड़ो आंदोलन तक इन्होंने जो है साथ दिया। ठीक है, कांग्रेस का गठन हुआ वगैरह वगैरह, कांग्रेस को साथ दिया ताकि पॉलिटिकली पावर बने, एक पार्टी बने। तो ये सारा कुछ था एज अ समरी। अब मैं आता हूँ इस पीडीएफ में, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता लगेगी, मैंने आपको जनरल समरी बताई मैंने वहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ पे, देखो जब भी शुरुआत में ही इन्होंने जो है ऑटोबायोग्राफी की शुरुआत में इन्होंने बोला कि एनी नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इज टू स्मॉल। देखो पूरी की पूरी जो है ऑटोबायोग्राफी में आप देखोगे कि इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए अपने लाइफ के साथ। इन्होंने मीट को त्यागा, इन्होंने अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप को त्यागा, तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, तब जाके ये गांधी गांधी महात्मा गांधी बने, समझे आप। तो एनी नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इज टू स्मॉल, मतलब कोई भी नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट करो आप, वो बहुत कम ही होते हैं। राइट्स मोहनदास करमचंद गांधी इन हिज ऑटोबायोग्राफी, ही ऑल्सो स्टेट्स दैट ही नेवर वॉन्टेड टू अटेम्प्ट टू राइट अ रियल ऑटोबायोग्राफी, मतलब वो कभी भी लिखना नहीं चाहते थे ऑटोबायोग्राफी, बट उनके हिसाब से ये बन गई ऑटोबायोग्राफी। कैसे बन गई? वो कह रहे हैं कि अगर मैं अपनी सच्ची चीज़ें लिखता हूँ इसमें, कि कैसे मैंने जो है अपनी सेक्सुअल रिलेशनशिप को कंट्रोल किया कस्तूरबा के साथ वगैरह वगैरह, अगर मैं अपने आप को सच्चा प्रेजेंट करता हूँ, तो ये अपने आप ही ऑटोबायोग्राफी बन जाएगी। इन्होंने ये चीज़ जो बोली है यहाँ पे, फिर ये कहते हैं कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, इट इज़ ट्रू दैट द स्टोरी विल टेक द शेप ऑफ एन ऑटोबायोग्राफी, मुझे पता है ये ऑटोबायोग्राफी बन जाएगी, बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोग मेरे बारे में अगर सच्चाई जानते हैं तो क्या दिक्कत है, जानने दो लोगों को सच्चाई, मैं झूठ थोड़ी बोलूँगा फिर। तो ये अपने जीवन में वसूल वसूल इनका एक ही था कि भाई कभी भी झूठ नहीं बोला, और ये इन्होंने कभी आज तक झूठ बोला भी नहीं था। ठीक है, तो गांधी के जो है बहुत सारे आपको कलेक्शन मिल जाएंगे एक्सपेरिमेंट के,
कस्तूरबा के साथ जो एक्सेसल रिलेशनशिप से दूर होना, शराब को ना हाथ लगाना, कभी भी फिर सुसाइड का अटैम्प्ट ना करना, पहली बार जो इन्होंने सुसाइड का अटैम्प्ट किया था मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। इसके बाद जो एक और यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि द गांधी वॉज समवन हु वॉज विलिंग टू लर्न फ्रॉम हिज एक्सपीरियंसिस एक्सपीरियंसिस बाई कॉन्स्टेंटली क्रिएटिंग कंडक्टिंग एंड रीडिफाइनिंग एक्सपेरिमेंट्स एंड प्लेसिंग दैम इन ड्यू कॉन्टेक्स्ट। मैंने अभी आपको बताया इन्होंने लाइफ में जो है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। एक बार मैं और बता दूं आप लोगों को, ये एक बार ना जैसे ये लॉ की पढ़ाई तो करके आए थे तो ये कभी हिचकिचाते बहुत थे। एक बार जो है इनको किसी क्लाइंट का जो है कुछ करना था, मतलब कोर्ट में पेशी होनी थी, तो ये जज के सामने बोल ही नहीं पाए, उस क्लाइंट की बात रख ही नहीं पाए कुछ भी, और कांपने लगे तो सब इनके ऊपर जो हंसने लगे थे। आज वही बंदा जो है इतने करोड़ लोगों के सामने जो है बोला था, आज इनकी नोट में भी फोटो छपी है, एक गुड ऑरेटर बन गए, बाद में सारा जमाना जो है इनको फॉलो करने लगा। तो आप समझ सकते हो कि लाइफ है इतनी हार्ड नहीं है जितना आप समझते हो। हाँ, अगर आप समझ गए कि इसको कंट्रोल ही नहीं करना फिर तो हार्ड हो ही जाती है वो। तो इन्होंने अपनी बातों में यही बताया कि लाइफ जो है लाइफ को अगर आपको जीना है तो आपको पहले एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे सच्चाई के साथ, और सच्चाई के साथ जीना दैट इज़ क्वाइट हार्ड। आप अगर सच्चाई को लेके जियोगे तो हार्ड होता है, बट हाँ सच्चाई का रास्ता हमेशा साफ होगा, सबसे अच्छा होगा। इन्होंने ये बात बताई है यहाँ पे, ठीक है। हिज एक्सपेरिमेंट्स वर बेस्ड ऑन द इंटेंट टू लर्न फ्रॉम देम एंड हिज डिसीजन टू परस्यू और अबैंडन पार्टिकुलर एक्सपेरिमेंट्स डिपेंडिंग ऑन द प्रैग्मेटिक कंसिडरेशन ऑफ देयर सक्सेसेस और फेलियर्स। तो यहाँ पे बोला है देखो, इन्होंने लाइफ में कई ऐसे एक्सपेरिमेंट किए, इन्होंने कई एक्सपेरिमेंट किए। शुरुआती अगर एक्सपेरिमेंट्स की बात करूँ, जैसे शराब पी के देखी इन्होंने, इन्होंने मीट खा के देखा, तो इनको इतना गिल्ट फील हुआ कि इनकी मम्मी ने मना किया था, हमेशा वेजिटेरियन फैमिली रही है, बट स्टिल इन्होंने जब ये ट्राई किया तो ये एक ऐसा गिल्ट रहा इनके लिए, इनको लाइफ में इन्होंने सुधारने की कोशिश करी और ज़िंदगी में कभी फिर इन चीज़ों को हाथ नहीं लगाया, ठीक है। तो गांधीयन पॉलिटिक्स की बात करें या फिर गांधीयन लेगेसी की बात करें, इसको इस तरीके से देखा जाना चाहिए कि इनकी ओपननेस के तरीके से देखा जाना चाहिए, इनकी पॉलिटिकल फ्लेक्सिबिलिटी की फ्लेक्सिबिलिटी देखनी चाहिए हमें। कैसे पॉलिटिकल फ्लेक्सिबिलिटी? ये जो है जिस तरीके से जहाँ जाते थे वो ढल जाते थे, लेट से कि आश्रम खोला, गरीबों के बीच गरीबों की तरह ढल गए, ठीक है। इन्होंने जो है, इनको सब कुछ आता था, इनको टाई पहननी आती थी, इनको महंगी चीज़ों का शौक था। मान लो जैसे इंग्लैंड गए थे तो वहाँ पे सूट पैंट पहनना पड़ता था इनको, तो वो सारा कुछ पहनते थे, लेकिन ये टाइम वेस्ट ही लगता था। जब वो इंडिया आए तो इंडिया के लोगों के बीच में इन्होंने घुला मिलना सोचा, घुले मिलने का सोचा। तो एक पॉलिटिकल फ्लेक्सिबिलिटी, एक ओपननेस आपको दिखेगी इनके करेक्टर में। तो यही चीज़ें हैं, सारा कुछ जो है देखोगे आप, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाते हैं। गांधी सिर्फ इस बुक में आप जब आप इस ऑटोबायोग्राफी को पढ़ोगे तो गांधी को सिर्फ आप एक ऐसे ही इंसान नहीं देख सकते जिन्होंने अपनी लाइफ के साथ सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स किए और महात्मा बन गए। गांधी एक जो है थिंकर भी हैं यहाँ पे बहुत बड़े, जिन्होंने अपने आप को खुद पढ़ाया, खुद सिखाया कि कैसे एक ग्रेट आदमी बना जाए, कैसे जो है लाखों दिलों पे राज किया जाए। ये गांधी एक्टिविस्ट नहीं थे सिर्फ, एक थिंकर नहीं थे, एक बहुत ही बड़े इंस्पायरर भी बन के चले गए दुनिया के लिए, ठीक है। इसी बीच में अगर हम बात करें कैसे जो है इन्होंने मुस्लिम पॉलिटिक्स का इस्तेमाल किया, मुस्लिमों को जो है एकीकृत करने में सत्याग्रह किया, खिलाफत मूवमेंट में मुस्लिम्स का साथ दिया, ये सारी चीज़ें जो हैं डिसाइड करती हैं कि कैसे गांधी जी ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए ताकि इंडिया यूनाइट हो जाए, ताकि दुनिया इनको जाने। ऑन द पर्सनल फ्रंट ही मेड एक्सपेरिमेंट्स ऑफ एवरीडे लाइफ टू इंक्लूड हिज फूड ड्रेस। इन्होंने अपने फूड के साथ, मतलब खाने के साथ भी इवन छेड़खानी करी। छेड़खानी इन द सेंस, इन्होंने जो है मीट का वगैरह मैंने बताया था ना कि इन्होंने मीट से हमेशा के लिए परहेज किया। इन्होंने अपने ड्रेसिंग सेंस चेंज करी। इन्होंने जो है ये जो है ड्रेस पहना करते थे पहले, मान लो इंग्लैंड में रहते थे जब, तो ये सूट पैंट पहना करते थे। फिर इन्होंने जब सच्चाई देखी, एक्चुअली इंडिया की सच्चाई जब देखी इन्होंने, तो इन्होंने सोचा यार ये तो गुलामी है अगर उनकी तरह मैं ड्रेसअप करता हूँ, तो सिंपल सा एक धोती लंगोटी पहनना इन्होंने सीखा। इन्होंने इस सच्चाई को अपनाया, इन्होंने इस सच्चाई को अपनाया कि खाना सिर्फ उतना ही खाओ जितना जीवन जीने के लिए इनफ है। खाना पेट भरने के लिए कभी नहीं खाया जा सकता, खाना हमेशा जो है जीने के लिए खाओ, सिर्फ जितना जीने के लिए इनफ है उतना ही खाओ। तो ये चीज़ वो हमेशा फॉलो करते थे। इवन तो बाद में इन्होंने जो है फूड में भी काफ़ी जो है चेंज किया था, सिर्फ फ्रूट्स पे ही डिपेंड रहते थे। ड्रेसिंग का मैंने बता ही दिया। फ्रेंडशिप भी इन्होंने जो है काफ़ी सिलेक्टेड कर ली। जैसे मैंने बताया था एक फ्रेंड था इनका जो काफ़ी बिगड़ैल थे, तो इनको सुधारने के चक्कर में खुद ही बिगड़ गए थे। इवन तो वो प्रोस्टिट्यूट लाता था अपने घर में, तो गांधी जी ने एक दिन जैसे ही नोटिस किया तो उसको घर से भी बाहर निकाल दिया था, अपनी फ्रेंडशिप भी तोड़ दी थी उससे। तो ये सारी चीज़ें देखो आप कि किस टाइप से ये बंदा जो है धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट्स करके सिर्फ सच का साथ दे रहा है।
तो पूरी अगर लाइफ इनके बारे में देखें, पूरी लाइफ की अगर देखें इनके, तो हमें यही चीज़ मिलेगी कि इन्होंने हमेशा सत्य का साथ दिया, सत्य का आग्रह किया। सत्य का आग्रह मतलब पॉलिटिकली सत्य को जो है, ट्रुथ को एक पावर बनाया, और वही पावर थी इस बंदे की कि सारा जो है ब्रिटिश प्रशासन इनके आगे झुक गया। यही सच की पावर थी इनकी। ये ज़्यादा हो गया, आई थिंक ज़्यादा आगे पीछे हो गया, वेट। ठीक है, आई थिंक ये कवर कर चुके थे हम। ठीक है, ये हो चुका है। थ्रू आउट हिज पर्सनल एंड पॉलिटिकल लाइफ गांधी इंडल्ज इन आइडियाज एंड एक्शंस एज एक्सपेरिमेंट्स। देखो, अब कभी भी आपको लाइफ में अगर कोई कितना भी मोटिवेट कर ले, लेकिन आप अगले दिन फिर ऐसे ही सुस्त पड़ जाओगे। जब तक आप खुद अपने आप को मोटिवेट नहीं करोगे, तब तक जमाना कुछ भी नहीं कर सकता आपके लिए। तो गांधी जी ने ना अपने आप को खुद टॉट किया, खुद सिखाया, खुद एक्सपेरिमेंट्स किए, खुद अपने एक्शंस को जो है उन्होंने जज किया, देखा, परखा, फिर जाके जो है वो इतने बड़े महात्मा बने। तो वही चीज़ें सारी बताते हैं यहाँ पे कि मैंने कैसे जो है इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स किए अपने इसके अपने जो है लाइफ के साथ। दिस रिलेंटलेस परस्यूट ऑफ वर्किंग टुवर्ड्स अ मोर परफेक्ट मेथड इज अपेरेंट इन मोस्ट ऑफ हिज एक्ट्स। आपको इनके एक्ट्स में हमेशा, चाहे सत्याग्रह ले लो, डांडी मार्च ले लो, अपनी वाइफ के साथ जो है ये रिलेशनशिप छोड़ना, सेक्सुअल रिलेशनशिप छोड़ना, या फिर मीट का सेवन ना करना, अपनी मम्मी को ये वचन देना कि कभी भी किसी और औरत को कभी आंख उठा के नहीं देखेंगे, ये इन सभी का कहीं ना कहीं एक परफेक्ट मेथड नज़र आता है जिन्होंने, जिस तरीके से इन्होंने इनको फॉलो किया, अपने सेंसेस को कंट्रोल किया। 37 साल की उम्र में जो है इन्होंने ब्रह्मचारी जो है ले लिया, यानी कि अपनी वाइफ से जो है ये अलग हो गए, कह लो आप अलग इन द सेंस, वो वाला अलग नहीं, डाइवोर्स वाला नहीं, मतलब सेक्सुअल रिलेशनशिप को त्याग कर दिया अपने फ्रेंड इसके अपने रिलेशनशिप के बीच में। ठीक है, तो गांधीयन फिलोसॉफी अगर आप देखो तो थोड़ा बहुत जो है पोस्ट मॉडर्निज्म से ये मेल खाता हुआ दिखेगा आप। ठीक है, तो ये सारा कुछ है इसमें। इन एडिशन व्हेन ही वर्कड विद मल्टीपल ट्रुथ, अब देखो इन्होंने हमेशा जीवन में सत्य के लिए काम किया। ही ऑल्सो मेड अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन दी एब्सोल्यूट ट्रुथ एंड रिलेटिव ट्रुथ। तो इन्होंने रिलेटिव ट्रुथ और एब्सोल्यूट ट्रुथ के बीच में जो है काफ़ी डिस्टिंग्विश किया, भेद मतलब बताया कि क्या डिफरेंस है। गांधी के लिए सारे जो सच थे वो फॉलेबल नहीं थे, टेंटेटिव नहीं थे, इवॉल्विंग नहीं थे, एज द प्रोपोनेंट्स ऑफ पोस्ट मॉडर्न थियरी वुड एम्फेसाइज। फॉर गांधी रीचिंग ट्रूथ और सत्य वॉज एन कॉम्प्लेक्स डायलॉग। देखो, गांधी के लिए सत्य तक पहुंचना ना एक कॉम्प्लेक्स डायलॉग था, दैट फॉलोड अ पैटर्न इन विच, मतलब आपको अगर सत्य तक पहुंचना है, सत्य तक पहुंचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। लेट से कि आपको सेलिबेसी ज्वाइन करनी है, तो आपको पहले अपने आप को सुधारना पड़ेगा, अपने आप के सेंसेस को कंट्रोल करने पड़ेंगे। तो यही गांधी जी कह रहे हैं, ये एक पैटर्न है, आप तुरंत अचीव नहीं कर सकते। आप बोलो कि नहीं, मैं कल से जो है मैं ब्रह्मचर्य फॉलो कर लूँगा, तो आपको टाइम लगेगा। यू विल हैव टू बिल्ड अ पैटर्न फर्स्ट, देन यू कैन अचीव द सेलिब्रेसी व्हाट यू वॉन्ट, है ना। तो आपको एक्सपेरिमेंट करनी पड़ेंगे लाइफ में, अगर आप महात्मा बनना चाहते हो, एक बहुत बड़े इंसान बनना चाहते हो, ऐसे इंसान जिनको जमाना जाने, तो आपको कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। नो पेन नो गेन, दिस काइंड ऑफ एवोल्यूशन फ्रॉम ट्रुथ थ्रू ट्रुथ मेक्स इज एक्सपेरिमेंट्स इवोल्यूशनरी। और यही जो सोच थी इनकी कि सच्चाई को ही, मतलब सच्चाई का सहारा लूंगा, सच्चाई को ढूंढने में, तो यही चीज़ जो है मेरे को आगे ले जाएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं एक बार। फ्रॉम ड्रेसिंग हिमसेल्फ इन वेस्टर्न सूट्स एंड वियरिंग अ पार्टिकुलर हेयरडू, लर्निंग टू प्ले द वायलिन। देखो, जब ये लंदन गए थे, इन्होंने सारी कुछ सीखे, इनको इनको सीखने का बहुत ज़्यादा शौक था, बुक्स पढ़ने का, सीखने का, नई नई लैंग्वेज सीखने का। इनके हिसाब से अगर आपको कोई चीज़ अचीव करनी है ना, तो पहले उन चीज़ों को आपको सीखना पड़ेगा। तो इन्होंने हमेशा सारी चीज़ें सीखी। हाउ एवर ही क्विकली रियलाइज दैट हिज पर्पज़ इन लंदन वॉज नॉट टू इंगेज इन सच एक्टिविटीज़। जब भी पढ़ने के लिए गए थे, लंदन गए थे, मैंने आपको बताया था वैसे, लंदन गए थे पढ़ने के लिए, तो इन्होंने सारी चीज़ें सीखी। उनको दिक्कत आ रही थी रहने में, जैसे खाने के लिए दिक्कत आ रही थी, वेजिटेरियन डाइट नहीं मिल पा रहा था इनको ढंग से, तो दिक्कत आ रही थी, बट इन्होंने सारी चीज़ें सीखी वहाँ पे। सीखी क्या क्या, टाई बांधना सीखा, पैंट पहनना सीखा, बहुत सारी चीज़ें सीखी, लैंग्वेज सीखी। लेकिन जब फिर इन्होंने ये भी देखा कि वहाँ पे जो है दारू सारू वगैरह वगैरह जो है बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें देख रहे थे ये। तो एक दिन इनको रियलाइज़ हुआ, एक जब इन्होंने रियलाइज़ करा, तो इनको पता लगा, यार ये क्या कर रहे हैं, ये तो लाइफ को मैं ऐसे ही बर्बाद कर रहा हूँ, ये लाइफ थोड़ी है, ऐसे थोड़ी ना जीना है मेरे को। ये सारी चीज़ें इन्होंने नोटिस करी, तो फिर इनको रियलाइज़ हुआ कि ये करने के लिए नहीं है मैं आया यहाँ पे। ठीक है, तो फिर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया अपने साथ, फिर इन्होंने अपने मन को मोड़ा, किसी और साइड ले गए। ठीक है, फिर इनके यही जो एक्सपेरिमेंट्स चलते रहे इनके, अपने आप में अपने आप को कैसे सुधारा जाए, कैसे जो है हर एक दिन बेटर बना जाए, इन्होंने कभी भी अपने एक्सपेरिमेंट्स को करना छोड़ा नहीं अपने साथ। ठीक है,
अपने ड्रेसिंग हैबिट से लेके बहुत सारा कुछ जो है इन्होंने जो है चेंज करने की कोशिश करी। आप यहाँ पे पढ़ लेना, ड्रेसिंग का ही पूरा लिखा हुआ है, वेस्टर्न सूट, काठियावाड़ एजेंसी और ब्रिटिश वगैरह वगैरह, ये सारा पढ़ लेना। मैं ये नहीं बता रहा, मैंने आपको बता ही दिया वैसे ही कि इनको जो है कैसे जो है जब इंडिया आए थे फिर इनको जो है धोती वगैरह, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने सारा कुछ बताया था। धोती, सिर में जो है एक क्या बोलते हैं उसे, टर्बन, पगड़ी, हाँ पगड़ी वगैरह, फिर पहनने का शौक जो है, शौक क्या मतलब इन्होंने अपनी वही पहचान बताई। इन्होंने सोचा कि अगर मैं पैंट वगैरह पहनता हूँ उनकी तरह तो मैं जो है एक ब्रिटेन का गुलाम बन के गुलाम ही बन के रह जाऊँगा, कभी भी अपने लोगों के बीच घुल नहीं मिल पाऊँगा और जिसके कारण कभी भी जो है मैं इंडिया को जगा नहीं पाऊँगा कि आप लोग जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ो। इसलिए इन्होंने खादी का सपोर्ट किया था बाद में, जो आप लिंक कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने बताई दिया आपको इंडियन वे में क्यों स्टाइल किया था इन्होंने सारा कुछ। कपड़े का नाम लिखा हुआ ऊपर, वो देख लेना एक बार, एक्सपेरिमेंट किया खादी के साथ, ये बताई दिया मैंने। फिर इंडियन देखो, अब इन्होंने सिर्फ लंगोटी धोती में ही क्यों अपने आप को मतलब स्वीकार किया, क्यों इन्होंने स्वीकार किया अपने आप को, क्यों एक्सपेरिमेंट किया धोती और उसका, जबकि एक पैंट वगैरह पहन सकते थे। इन्होंने जो है ब्रिटिशर्स के लाइफ स्टाइल में जिया था, लंदन में ये काफ़ी दिन रहे थे, तो फिर क्यों ऐसा, क्योंकि वो इंडियन पीजन के बीच में घुलना मिलना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि हमारे मेरे ही लोग मेरे को एक जो है अलग तरीके से देखें, क्योंकि इंडियन सोसाइटी जो थी वो डाइवर्स थी। कुछ लोग ब्रिटिशर्स के सपोर्ट में थे, इंडियन नहीं, इंडियन की बात कर रहा हूँ, कुछ लोग ब्रिटिशर्स के सपोर्ट में थे। तो सारी ये प्रॉब्लम थी, मेन फसाद की जड़ी ये थी कि अगर लोग आम लोगों के बीच में जिनको प्रॉब्लम हो रही है उनके बीच में अगर घुला मिला नहीं मैं, तो इन ब्रिटिशर्स को कभी भी जड़ से उखाड़ा नहीं जा सकता है। तो ये प्रॉब्लम थी इनके बीच में। ठीक है, इन्होंने फिर साउथ अफ्रीका के बारे में बताया कि कैसे अपने आप को जो है इन्होंने चैम्पियन बनाया, वहाँ पे उनके हकों के लिए लड़ा, शेख मेहताब थे वो। ठीक है, यही शेख मेहताब थे जिनके कारण जो है इन्होंने मीट वगैरह खाना स्टार्ट किया था, आई थिंक यही है। 3 to 4 years सीनियर टू हेम, 8 मीट, हाँ यही रहा, यही रहा, इन्हीं शेख मेहताब, मैं बता रहा था एक इनका फ्रेंड था जिन्होंने इनको मीट वगैरह खाना स्टार्ट करवा दिया था, तो यही था शेख मेहताब। ठीक है, तो गांधी इनको बदलना चाहते थे बट ये खुद ही बदल गए। ठीक है, कई बार जो इनको खाली पेट भी सोना पड़ता था, ये मैंने बताया था आपको, क्योंकि इनको वेज डाइट नहीं मिल पाती थी वहाँ पे। अब क्या हुआ, इसी चीज़ को इन्होंने अपनी ताकत बनाई, वेजिटेरियन डाइट नहीं मिल पाता था ना, इसी चीज़ को इन्होंने अपनी पावर बनाई, वहाँ पे वेजिटेरियन सोसाइटी ज्वाइन कर ली इन्होंने लंदन में, वहाँ पे लोगों को संगठित किया वेजिटेरियन के ऊपर जो है, फिर ये कुछ लिखने लगे, फिर उनको पब्लिश कराया जाने लगा। तो मतलब इन्होंने वहाँ पे भी जो है अपनी छाप छोड़ने की कोशिश करी, वेजिटेरियन सोसाइटी वहाँ पे ज्वाइन कर ली, वहाँ पे बना लिया इन्होंने। ठीक है, वहाँ पे वेजिटेरियन सोसाइटी जो है ज्वाइन करके, ठीक है, तो ये इन्होंने जो है अपने फूड की जो इस एक्सपेरिमेंट को किया वहाँ पे कि कैसे फूड को भी लेके यूनाइट किया जा सकता है लोगों को, तो ये भी जो है काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट रहा इनके लाइफ में। एक काफ़ी ज़्यादा साई थे ये, और कभी भी पब्लिक गैदरिंग में बोल नहीं पाते थे, वही बंदा फिर बाद में आप देख सकते हो कि पूरी इंडिया को जो है कंट्रोल करता है अपनी स्पीचेस के द्वारा। ठीक है, फिर खाने का इन्होंने दे रखा है कि खाना उतने खाओ, मैंने बताया था वैसे भी कि जितने भी पेट भर सके, ओवर ईटिंग किल्स लिखा हुआ है वहाँ पे। मेहताब का मैंने बताया था एक बार कि जैसे उनको पता लगता है कि मेहताब जो है घर में प्रोस्टिट्यूट लाता है तो अपनी दोस्ती वो तोड़ देते हैं, इस सच को स्वीकार करते हैं कि फ्रेंडशिप जो है इनकी एंड हो जाती है मतलब, और एक लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप थी मेहताब के साथ, वो एंड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो गलत था, तो इन्होंने सच का साथ दिया। इवन तो इन्होंने अपने बेटे को नहीं बख्शा था, वो तो फिर भी दोस्त था, इन्होंने अपने बेटे को नहीं बख्शा था। यहाँ पे देख सकते हो उनका बेटा जो है हरिलाल, हरिलाल हमेशा इसी चीज़ से दुखी रहता था कि मेरे पापा इतना नामी गामी हैं बट स्टिल मेरे को खर्चा नहीं दे रहे चलाने का, तो ये इस चीज़ से दुखी रहते थे। हरिलाल को प्रॉब्लम ये थी कि इनके पापा इनकी केयर नहीं कर रहे, तो गांधी को ये था कि ये खुद अपनी केयर करना सीखे, अपने बाप को यानी कि अपने पिताजी को, ये गांधी जी को, हरिलाल, हरिलाल बेटे थे महात्मा गांधी के, 1911 में एक चिट्ठी भी लिखते हैं कि आप जो है मतलब आप जो है मेरा अच्छे से बिल्कुल भी देखभाल नहीं कर रहे, आप जो है मेरे को पढ़ने के लिए बाहर भेजो। बट हरिलाल इतना कुछ खास नहीं था, और गांधी जो है वो ये चाहते थे कि इनका बेटा जो है खुद कुछ करे लाइफ में, अपने बलबूते पे, अपने बाप के बलबूते पे नहीं। ठीक है, तो ये सारा था यहाँ पे, सॉरी, ये मैंने बताया था आपको कि कस्तूरबा के साथ क्या क्या हुआ था, ये सारा मैंने बताया दिया, कैसे सेलिब्रेसी इन्होंने ज्वाइन करी, ब्रह्मचर्य को जो है पालन किया,
रिलेशनशिप से हमेशा के लिए बाहर हो गए 1906 में, यानी कि 37 साल की उम्र में जो है पूरी तरीके से जो है कस्तूरबा गांधी से मतलब सेक्सुअल रिलेशनशिप इन्होंने त्याग दिया। 1930 में फिर डांडी मार्च वगैरह वगैरह चलता है। अपनी चीज रेडी को प्रूव करने के लिए इनको अगर विमेन के बीच में सोना पड़ता था, ये सोते थे। देखो आप यहाँ पे पढ़ोगे कि इनके कुछ साथी थे जैसे आभा प्रभावती, सुशीला, ये इनके बीच में सोते थे याद रखना, लेकिन कभी भी अपने सेंसेस को खोने नहीं दिया इन्होंने, कभी भी गलत नहीं किया कभी भी किसी के साथ। इन्होंने अपनी चेस्टिटी, अपनी पवित्रता मेंटेन करके रखी हमेशा जो है, एक ही वीमेन के प्रति जो है वो थे। बाद में उनको भी 1906 में वो भी त्याग दिया इन्होंने, हमेशा के लिए जो है ब्रह्मचारी जो है ज्वाइन कर लिया इन्होंने। तो ये चेस्टिटी को शो करते हैं, इन्होंने अपनी यही चीज़ 1930 वाली बात लिखी है कि कैसे वो वीमेन के बीच में सोते थे इवन दो, क्योंकि उनको अपनी चेस्टिटी प्रूव करनी थी कि कैसे मैं अपनी चेस्टिटी को कंट्रोल कर सकता हूँ, अपने सेंसेस को कंट्रोल कर सकता हूँ, अपने सेक्सुअल डिजायर को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सीखने को मिलेगा आपको कि कैसे जो है एक आम युवा, अगर युवा की बात करो तो वो भी काफ़ी कुछ सीख सकता है महात्मा गांधी के, यानी इससे फिजिकल कंट्रोल किया इन्होंने कैसे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। गांधी का एक ही मकसद था कि यार लोगों को मिल के काम करना पड़ेगा, ठीक है, आप अकेले कुछ भी नहीं कर सकते, आप अकेले तो एक पंख भी नहीं ला सकते किसी का, ठीक है। तो यही कह रहे हैं यहाँ पे, तुम मिलके जो है इन्होंने सभी को यूनाइट किया, सभी धर्मों के बारे में पढ़ा, इस्लाम के बारे में पढ़ा, क्रिश्चियनिटी के बारे में पढ़ा, बहुत कुछ पढ़ा इन्होंने, भगवत गीता के बारे में पढ़ा, बहुत कुछ पढ़ा इन्होंने, फिर जाके जो है काफ़ी कुछ किया, सभी को एकीकृत किया, चंपारण खेड़ा वगैरह में फिर अपने आंदोलन को जो है इन्होंने मोटिवेट मतलब आगे बढ़ाया, ये सारी चीज़ें करी। खिलाफत मूवमेंट में मुस्लिम्स का साथ दिया, खिलाफत मूवमेंट क्या है आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ब्रिटिशर्स जो है ब्रिटिश को उखाड़ फेंकने के लिए एक नीति थी इनकी कि सभी को यूनाइट करो और इनको उखाड़ फेंको। खिलाफत मूवमेंट कुछ और था, खिलाफत था टर्की से रिलेटेड है, वो आपको पता होना चाहिए, अगर आपको नहीं पता तो एक वीडियो देख लेना आप, ठीक है। ही कुड देयर बाई इमर्ज एज अ महात्मा हु कुड लीड हिंदूज एंड मुस्लिम्स अलाइक। तो इन्होंने जो है सिर्फ अपने हिंदू भाइयों को नहीं, मुस्लिम भाइयों को नहीं, सभी को यूनाइट करके ले चले ये, ठीक है। फिर सत्याग्रह आंदोलन वगैरह वगैरह किया, बहुत कुछ किया इन्होंने अपनी लाइफ में, बहुत जितनी भी हर्डल्स आई उनको इन्होंने एक सच माना, सच्चाई के थ्रू से जो है इनको सारे सभी कुछ चीज़ों को डील किया और आगे बढ़े ये हमेशा 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 के लिए। देखो सारी चीज़ें वही हैं, ब्रिटिश इंडिया को जो है झुका दिया इन्होंने अपने सच्चाई के दम पे। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, अपनी जितनी भी थी घटनाएं मतलब जितनी भी ये इवेंट्स हैं वो उनको नॉन वायलेंट रखना चाहते थे, अहिंसा पूर्व, अहिंसा मतलब अहिंसा के इस पे, बट लोगों ने हिंसा कर दी एक बार चोरी चोरा पे, तो इन्होंने अपने इसी मूवमेंट को जो है वापस कर लिया था एक बार। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्विट मूवमेंट तक, क्विट इंडिया मूवमेंट तक जो है इन्होंने लोगों का साथ दिया। हमेशा इनकी एक ही चीज़ हमेशा देखने को झलकती थी, ये हमेशा सीखने के शौकीन थे, लिखने के शौकीन थे, इन्होंने लिखने के जरिए से जो है लोगों को जगाने की कोशिश करी। इंडियन ओपिनियन हो चाहे यूथ इंडिया हो, इन्हीं आर्टिकल्स के माध्यम से, इन्हीं जर्नल के माध्यम से लोगों को जगाने की कोशिश करी, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो चाहे इंडिया हो, इंडिया में भी इन्होंने काफ़ी कुछ लिख के जो है लोगों को जगाने की कोशिश करी, क्योंकि इनको ये लगता था कि अगर लोगों को जगाना है तो राइटिंग इज़ दी ओनली वर्क, मतलब राइटिंग के थ्रू से जगाओ, घर घर जाके जगाओ लोगों को बताओ कि आपको कैसे जो है पागल बनाया जा रहा है बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, आपको जो है इनके खिलाफ जो है आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो एक लोगों को जो है एक जोड़ा इन्होंने सत्याग्रही बनाने के लिए, ठीक है। ये कहते थे कि जैसे ही घास फूस जो होती है, मान लो आप घास के साथ जो है खरपतवार भी मिल जाएगी आपको, गेहूं के साथ जो है भूसा भी मिल जाता है, तो आप भूसे को अलग करते हो ना, गेहूं को ही तो खाते हो ना, तो ये कह रही है कि कमियां तो सबके अंदर होती हैं, तो कमियों को निकालो, कमियों को निकालो, कमियों को एक्सेप्ट करो, आप सच्चाई को एक्सेप्ट करो कि हाँ कमियाँ हैं, कमियों को निकालो, महात्मा बन जाओगे आप। ये यहाँ पे कहते थे, देख लो यहाँ पे, सैव विद द ग्रेन्स ऑफ व्हीट, ये आप लाइन पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो ये सारी चीज़ें ये जो है बताते हैं यहाँ पे। तो गांधी जी ने बहुत ही ज़्यादा अपने साथ जो है छेड़खानी करी अपने प्रिंसिपल्स के साथ, फिर जाके ये महात्मा बने। इन्होंने जो है कमियां निकाली अपने में, हर दिन अपने में कमियां निकालते 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 एक दिन इतने बड़े बन गए, ठीक है। तो ये था यहाँ पे, हेंस इट मेक्स मोर सेंस टू व्यू गांधी एंड हिज लेगेसी इन दिस फ्लूडिटी इन एन इश्यू ऑफ ओरिजिन। गांधी वंस रोट इन माई सर्च आफ्टर ट्रूथ आई हैव डिस्कार्डेड मैनी आइडियाज एंड लर्न मैनी न्यू थिंग्स। कह रहे हैं कि जब भी मैंने अपने आप को खोज किया मैंने अपने आप का, तो मैंने बहुत सारी पुरानी चीज़ें जो है मिस करी, मतलब खोई, जो गंदी चीज़ें थी, हैबिट्स थी, मैंने वो खोई, नई चीज़ें मैंने सीखी, और वो चीज़ें आपको पता लग जाएंगी कि क्या क्या मैंने खोई, क्या क्या मैंने सीखी नई नई चीज़ें। तो ये था पूरा इस ऑटोबायोग्राफी का एनालिसिस, होप सो कि आपको काफ़ी कुछ पता लगा होगा यहाँ से, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के बीच में भी इसको शेयर करना है,
ठीक है। इसके अलावा आप जो है सब्सक्राइब कर दो चैनल को, अभी तक नहीं किया है तो। इसके अलावा अपने दोस्तों तक तो फैलाओ इस वीडियो को, व्हाट्सएप के थ्रू से, टेलीग्राम वगैरह वगैरह वगैरह। संतोष लिटरेरी माइंड नाम से जो है आपको इंस्टाग्राम पे जो है प्रोफाइल मिल जाएगी आपको। टेलीग्राम पे पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको करना क्या है, लिटरेरी माइंड यूट्यूब सर्च करना है और आप टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लोगे मेरा, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी रिलेटेड टू दिस टॉपिक। वट एवर आई हैव मैंसन हियर, ये भी पीडीएफ मिलेगी। इसके अलावा एनी पीडीएफ व्हाट यू वांट, जो भी आपको लगता है कि नीड है मेरे को, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर। जस्ट मैसेज मी कि मेरे को ये पीडीएफ चाहिए, होप सो कि मैं आपको फिर वो पीडीएफ प्रोवाइड करवा पाऊँगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, टेलीग्राम पे जो है फॉलो करना है, व्हाट्सएप वगैरह पे जो है इस वीडियो को शेयर कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू टू ज्वाइन मी, थैंक यू टू सपोर्ट मी। ऐसे ही जो है सपोर्ट बनाए रखिए। 10,500 सब्सक्राइबर हो चुके हैं लगभग, और होप सो कि ऐसे ही जो है कामना करता हूँ आगे बढ़ते रहेंगे। जब तक मैंने वीडियो शूट किया है अभी तक कितने हैं आपकी, अगर दुआ रही तो और आगे बढ़ेंगे हम, आगे ग्रो करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ हॉट टॉपिक, राइट? थैंक यू।